अगर आपको पता चला क्या कांग्रेस अब सोशल इंजीनियरिंग को ज्यादा पुश करेगी, क्या अब वो देश भर में जाति आधारित जनगणना की बात करेंगे। उन्होंने कर्नाटका में प्रॉमिस किया है कि सिद्धारमैया के दौरान जो उन्होंने सोशल सर्वे किया था उसके फाइंडिंग्स को रिलीज करेंगे। रिजर्वेशन को लेके उन्होंने कुछ आक्रामक प्रॉमिसेस किए हैं, देखना है कि वो कोर्ट में अटकते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप 75% ले जाओगे कोर्ट उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं लेकर आएगा। नीतीश कुमार सर जिस तरह से घूम रहे हैं, जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, एक नजर आ रही है रणनीति सोशल मीडिया पर, आप एग्रेशन देखिए या उससे इतर की मीटिंग में, कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर, यानी कि सामाजिक न्याय के समीकरण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कवायद चल रही। डू यू थिंक इट विल बी इफेक्टिव? देखिए, जाति आधार पर जनगणना की आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने पब्लिकली कहा, राहुल गांधी ने तो पब्लिक मीटिंग में कर्नाटक में कहा रिजर्वेशन होना चाहिए, जाति के आधार पर जितनी आपकी संख्या है उतनी आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। और ये बात जानिए, अब 4 कांग्रेस के मुख्यमंत्री है सौरभ, उनमें से 3 जो है ओबीसी है, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सिद्धारमैया। तो ये जो ओबीसी कार्ड है, क्योंकि क्या हुआ है 80 के दशक के बाद कांग्रेस को पता ही नहीं चला द राइज ऑफ ओबीसी, वो पकड़ नहीं पाई। अब कांग्रेस के जो नजदीकी है वो कहते हैं 2 चीजें है, इसलिए कर्नाटक महत्व है, सोशल वेलफेयर के साथ साथ गरीबों का एक जो कोलिशन है उसमें ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, हमें ये कोलिशन जो अहिंदा एक तरह से आपने कर्नाटक में कहा, ये हमें देश भर में करना है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कद बढ़ गया है, क्यों नहीं कर्नाटक की जीत, लेकिन कर्नाटक में हम बार बार वोकलिगा लिंगायत की बात करते हैं। कर्नाटक की स्टोरी वोकलिगा लिंगायत की केवल नहीं है, कर्नाटक की स्टोरी दलितों की स्टोरी है और आदिवासी की। 15 आदिवासी सीटों में बीजेपी को एक भी जीत नहीं मिली, कांग्रेस को 14। 36 जो एससी सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को आई। और कई लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग, कि क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो दलित हैं, उससे एक सिंबल बन जाते हैं, प्रतीक बन जाते हैं कि वाकई हम एक नया सोशल एक नया समीकरण कर रहे हैं। लेकिन ये जानिए सौरभ, दक्षिण की राजनीति उत्तर की राजनीति से अलग होती है। जिस दिन कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती है उसी दिन लोकल बॉडी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार होती है। ये कहना कि वन साइज फिट्स ऑल, कि क्योंकि हमने अहिंदा स्ट्रेटेजी कर्नाटक में की वही स्ट्रेटेजी बाकी राज्यों में चलेगी, वो नहीं हो सकता। वहां आपके पास एक नेता था सिद्धारमैया में जो उस अलायंस का एक तरह से नेतृत्व कर रहा था, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये नेशनल कर पाएंगे? देखिए, इस पूरे कवायद में राहुल गांधी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जा रहे थे। गांधी परिवार भी एक संदेश देना चाहता है, खासकर की सोनिया गांधी, मुझे लगता है कि मैं सेमी रिटायर्ड हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैंडल करते हैं। राहुल गांधी ने अपना पूरा वेट सिद्धारमैया के पीछे लगाया था। मैं आपको बताऊं, पिछले साल सिद्धारमैया जी का बर्थडे हुआ था, उस दिन वहां राहुल गांधी गए थे और राहुल गांधी ने को उस दिन सिद्धारमैया ने पूछा, क्या मैं अगले साल जब चुनाव लड़ूंगा अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? तो राहुल गांधी सेड, यू हैव माय फुल सपोर्ट। आज हम सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं कि वो शिव कुमार को बैक कर रही थी, तिहाड़ जेल में वादा किया था, लेकिन असली बात यह है कि राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को बैक किया, क्योंकि राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ज्यादातर लेफ्ट लीनिंग सोशल वेलफेयरिस्ट पॉलिटिशियन है। उनका कहना है कि जब तक हम ये प्रो पुअर गरीबों की एक अलायंस नहीं करते तब तक हम बीजेपी को, खासकर की बीजेपी की जो लाभार्थी कंस्टिट्यूंसी बनी है उसको हम टक्कर नहीं दे सकते। तो ये जो भी कवायद चल रही है सोशल वेलफेयर जनगणना की बात, ये केवल इसी वजह से कि कांग्रेस चाहता है कि, और मैं एक और लास्ट बात कहूं सर, सर समय की कमी है राजदीप जी, ये चीजें आपने छोटी बात है, बड़ी टॉप शो में एक न्यूज ब्रेक दो, कांग्रेस अब चाहती है कि मिनिमम इनकम की जो बात 2019 में की थी वो दोबारा निकाले करेगी और इसको देश भर में लेकर जाएगी कि जो बीपीएल लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनके लिए मिनिमम इनकम हो। तो कांग्रेस एक तरह से पुराने लेफ्ट ऑफ सेंटर सोशल कोलिशन करना चाहती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, कर्नाटक इज नॉट इंडिया और कर्नाटक में भी वही वोटर जो विधानसभा में एक तरफ वोट करता है लोकसभा में दूसरा कर सकता है। जो फॉर्मूले काम किए वो भले ही इंडिया में उनके वेरिएशन हो, लेकिन वो कर्नाटक में तो काम किए हैं ना। ऑपोजिशन यूनिटी की बात कही ना, केजरीवाल को भले ही न्योता नहीं दिया है, केजरीवाल चाहते हैं
कि राहुल गांधी से बात हो, खड़गे जी से बात हो, और वो भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सब नेता जान गए अब कि जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे और जब तक आप ये सोशल वेलफेयर का कोलिशन नहीं कर पाओगे, आप मोदी जी और बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते।